लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। देखिए, जब मैं पहली बार यहाँ प्रचार के लिए आई तो कुछ मेरे मुद्दे दिए गए थे मुझे कि इन मुद्दों पे बात करनी है। तो सबसे पहले ये नारा लिखा था, जॉय आई अखोम। तो मैंने किसी से पूछा इसका मतलब क्या है, और मुझे बताया गया कि इसका मतलब है असम माता की जय, जो हमारी माता है, हमारी धरती है, उसकी जय। यहां की ब्रह्मपुत्र नदी की जय, यहां के पर्वतों की जय, यहां की फसलों की जय, चाय बगानों की जय, यहां के घमोसा की जय, तमोल पान की जय, यहां के बिहू त्योहार की जय, यहां की जनजातियों की जय, खेतों में काम करते हुए किसानों की जय, असम की सभी भाषाओं की जय, सभी महापुरुषों की जय, श्रीमंत शंकर देव जी की जय, सती जयमती हेमचंद्र बरुआ जी, श्रीमंत गोपाल देव जी की धरती की जय, विकास पुरुष श्री हितेश्वर साइकिया जी की जय, और स्वर्गीय तरुण गोगोई जी की जय। हम जब जय कहते हैं तो हम आपकी संस्कृति, आपकी धरती, आपके अस्तित्व, आपकी अस्मिता की जय करते हैं। चाहे कोई भी नेता कहीं से भी आए, वो यहां आकर पहले आपकी संस्कृति के बारे में बात करता है। पिछली बार जब मैं यहां आई, चाय के बगान में जाने का मौका मिला, मैं अपनी बहनों से मिली जो चाय के बगान में मजदूरी करती हैं, चाय के श्रमिक हैं, उनके साथ बैठने का मौका मिला, बातचीत हुई, बहुत चीजें पता चली मुझे। मुझे पता चला कि अगर एक दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती तो एक ना एक सदस्य परिवार में भूखा सोता है। मुझे पता चला कि कई सालों से उनकी उम्मीद रही है कि उनकी दिहाड़ी बढ़े, लेकिन आज तक बढ़ी नहीं है, और अगर बढ़ी तो सिर्फ चुनाव से थोड़े दिनों पहले एक कम मात्रा में बढ़ी। उनके साथ बैठकर ये बहुत स्पष्ट हुआ कि असम की जो संस्कृति है, आपकी जो अस्मिता है, उसकी रखवाली वही महिलाएं थी जिनसे मैं बात कर रही थी, वही बहनें थी। यहां उपस्थित जितनी भी मेरी बहनें हैं, ये संस्कृति जो है, इसकी रखवाली आप करते हैं। चाहे कहीं से भी कोई भी नेता आए, वो ये बात ठीक तरह से समझ नहीं सकता, क्योंकि आपका जीवन आप जीते हैं, उसकी सच्चाई आप जानते हैं। इस धरती ने आपको क्या दिया, आपकी पहचान दी, वो आप समझते हैं। मैं जब वापस घर गई, बताया गया कि फिर से असम आना है चुनाव प्रचार के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूं कि दूसरी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव है, जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन से मुद्दे उठाते हैं। कल मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण देखा, और उस भाषण में प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता के साथ दुख भरी आंखों से कहा कि असम की जनता, आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं, मेरा दिल बहुत दुखी है। तो मैंने सोचा न जाने क्या बात करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे, हो सकता है कि कोई बड़ी विकास की बात हो या कुछ ऐसी चीज हो गई हो जिससे असम की जनता को दुख है, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें भी दुख है। आगे बोले तो मैं हैरान हो गई। प्रधानमंत्री जी ने एक 22 साल की लड़की के ट्वीट का जिक्र किया
और इस ट्वीट के जिक्र में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र ये है कि दुनिया से चाय समाप्त हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, इस दुनिया से चाय कभी कोई समाप्त कर सकता है? चाय ने तो सबसे बड़े बड़े साम्राज्यों को भी गुलाम बना दिया। आज आप इंग्लैंड जाते हैं तो वहां भी चाय मिलती है पीने के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसी साजिश रच सकती थी? फिर प्रधानमंत्री जी ने एक और चीज बोली, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया में दो गलत फोटो लगी और उससे उन्हें बहुत दुख हुआ। मेरे मन में ये बात आई कि ये प्रधानमंत्री जी जिनको दो गलत फोटो एक गलत ट्वीट से इतना दुख हो रहा है, जब यहां पे बाढ़ आई तो उनको दुख क्यों नहीं हुआ? तब वो आपके सामने आकर अपना दुख उन्होंने व्यक्त क्यों नहीं किया? जब यहां पे का आंदोलन हुआ, जब असम जल रहा था, तब उनको दुख क्यों नहीं हुआ? क्या वो चाय के बगानों में गए हैं? क्या मेरी बहनों से मिले हैं? मेरी बहनों के हाथ देखे हैं उन्होंने, जिनकी उंगलियां घिसी हुई हैं, सख्त हो चुकी हैं, जिनके छाले पड़ते हैं क्योंकि रोज हर रोज घंटों के लिए चाय की पत्तियां चुनती हैं? क्या उन्होंने देखा है? क्या उनको तब दुख नहीं हुआ जब आपकी दिहाड़ी बढ़ाई नहीं गई, जब उन्होंने खोखले वादे किए, जब पिछले चुनाव में यहां आकर कहा कि 350 रुपए की आपको दिहाड़ी देंगे? क्या 5 सालों में उनको दुख नहीं हुआ कि वो दिहाड़ी नहीं बढ़ी? क्या उनको इस बात पर दुख नहीं है कि आपके बच्चों को भूखा सोना पड़ता है क्योंकि आपको सही ढंग की दिहाड़ी नहीं मिल रही है? तो देखिए, राजनीति के लिए बड़े बड़े नेता भी अभिनेता बन सकते हैं। का आंदोलन हुआ, गुवाहाटी में फिल्म फेयर अवार्ड का कार्यक्रम रखा गया था, आपको याद होगा। शायद फिल्म फेयर का अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री जी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप दुख में होते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप संकट में होते हैं, तब उनके आंसू नहीं बहते। जब चुनाव आता है तब उन्हें दुख होता है आपकी समस्याओं पर, और जब चुनाव चले जाता है तो जो वादे आपसे किए वो खोखले पड़ते हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता। 2016 में आपसे बहुत बड़े वादे किए गए थे, 25 लाख नौकरियों का वादा था, नौजवानों के लिए उज्जवल भविष्य बनाने का। क्या आपको वो नौकरियां मिली, वो रोजगार मिला? जाति भाटी और भेटी की रक्षा करेंगे कहा था। असम अकॉर्ड में जो खंड 6 है उसे कांग्रेस ने बनाया था ताकि आपकी संस्कृति की सुरक्षा हो, क्या उसको लागू किया गया? 2016 में भाजपा ने कहा था कि हम का को लागू नहीं करेंगे, लेकिन सरकार में आते ही का को लागू किया। चाय बगानों में तमाम वादे किए थे कि जो टी ट्राइब्स हैं उनको एक अलग दर्जा मिलेगा, कि आपकी दिहाड़ी बढ़ाई जाएगी, आपके लिए सुविधाएं बनेंगी, लेकिन जिन बहनों से मैं मिली थी उन्होंने मुझे बताया कि न चिकित्सा की सुविधा है, न टॉयलेट की सुविधा है, न दिहाड़ी बढ़ाई गई है, कोई सुविधा नहीं है। ऊपर से इस सरकार ने आपको महंगाई से मारा है। मैं एक और महिला के घर गई, वहां एक गैस सिलेंडर पड़ा था लेकिन वो चूल्हे पे अपनी चाय बना रही थी, तो जब मैंने पूछा कि क्या हुआ गैस सिलेंडर, उन्होंने कहा खाली है, उसको भरवाने के पैसे नहीं है क्योंकि आज गैस सिलेंडर 800 रुपए का है। आपसे ये वादा किया गया था कि आपके मुख्यमंत्री असमिया होंगे, आपसे वादा किया था कि आपके जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो मजबूती से आपकी सरकार चलाएंगे। क्या मिला आपको? आपको दो दो मुख्यमंत्री मिले,
और सिर्फ दो दो मुख्यमंत्री नहीं, उनकी सरकार असम से नहीं दिल्ली से चलती है, रिमोट कंट्रोल की सरकार है। दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के परमिशन के बिना यहाँ पर कुछ लागू नहीं होता, कुछ आगे नहीं बढ़ता। यहाँ तक कि असम गण परिषद को भी उन्होंने दिल्ली गण परिषद बना दिया है, यहाँ के हाथी को एक भीगी बिल्ली बना के छोड़ दिया है। आप देखिए कि दिल्ली के दबाव से 5 सालों के लिए ये सरकार चली है, आपके मुख्यमंत्री को दुर्बल बनाया गया है, और आज आपके सामने आकर एक नई बड़ी घोषणा की। पहले दो दो मुख्यमंत्री दिए, अब कहते हैं कि दो दो इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार। कौन बचाएगा असम को इनसे? दो इंजन की सरकार, न जाने कहां से किसको कहां से ईंधन मिलेगी, कौन सा इंजन चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, और दोनों इंजनों की चाबी कहां से होगी? असम को न दो मुख्यमंत्री चाहिए, न दो इंजन की सरकार चाहिए, अपनी पहचान चाहिए, अपना अस्तित्व चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असम का अपमान किया है, और जो सरकारें कांग्रेस की चली उन्होंने असम की जनता को अपमानित किया। हितेश्वर साइकिया जी जैसे महापुरुष, तरुण गोगोई जैसे समर्पित देशभक्त नेता को ये कहते हुए प्रधानमंत्री जी को क्या शर्म नहीं आई कि उन्होंने असम की अस्मिता को बिगाड़ा, कि असम का अपमान किया? कांग्रेस इन नेताओं के कण कण में थी, इन नेताओं ने अपने जीवन असम के लिए समर्पित किए, दिन रात आपके विकास के लिए काम किया, और इनकी सरकारों के बारे में इस तरह की बातें करते हुए क्या असम का अपमान नहीं है? इन नेताओं ने आजीवन असम के विकास के लिए काम किया, उनके गुजर जाने के बाद इस तरह की बातें करना क्या सभ्य है? क्या प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है? यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी आए, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकर देव जी आवर्जन के खिलाफ थे। अब आप बताइए, श्रीमंत शंकर देव जी 500 साल पहले जीवित थे, क्या उनके समय आवर्जन था, घुसपैठी थे? तो इस तरह की चीजें क्या दिखाती हैं कि ये नेता यहां आते हैं, चुनाव के समय आपकी संस्कृति, आपकी अस्मिता की बात करते हैं, यहां से चले जाते हैं, आपकी संस्कृति को भूल जाते हैं, उसको ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं, आपकी समस्याओं को भूल जाते हैं, और पीछे मुड़कर नहीं देखते। नहीं तो 5 सालों में आपकी इतनी समस्याएं हुई हैं, ये लोग क्यों नहीं आए, यहां आकर आपसे बात क्यों नहीं की? बल्कि अपने नाम पर बड़े बड़े स्टेडियम इन्होंने बनाए, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट स्टेडियम, उसका नाम प्रधानमंत्री जी को का नाम दिया, और यहां पे असमिया विद्वान डॉक्टर बाणीकांत काकती का नाम एक शमशान को दिया। तो आप सोच सकते हैं कि कौन आपकी संस्कृति का अपमान कर रहा है और किसने आपकी संस्कृति की लड़ाई लड़ी है। असम के लोग ये कभी नहीं भूल सकते कि जब वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, जब का के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, तो एक भी भाजपा के नेता ने उनके साथ सहानुभूति नहीं दिखाई, उनकी बातों को सुनने भी नहीं आए। जब असम की एक महान विभूति, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई जी के नाम पर सरकारी पैसों से बना हुआ एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी के उद्योगपति दोस्तों को बेचा जा सकता है, तो आप बताइए
असम के अस्तित्व को बचाया कैसे जा रहा है? आपकी संपत्ति जिसमें आपकी मेहनत लगी है, जिसे आपके माता पिताओं ने बनाया, उसको बेच डाला। काजीरंगा के पास एक एलिफेंट रिजर्व है, वहां से लगी जमीन भी इनके उद्योगपति दोस्तों को बेची जा रही थी। एआईसीबी को प्राइवेट करने की योजना है। नौगांव में भाजपा ने अपने खरबपति मित्र को किसानों की जमीन छीनकर देने की कोशिश की। जब असम के लोगों ने आंदोलन किया तब महिलाओं को पीटा गया, एक गर्भवती महिला को भी मारा गया, उसको पीटा गया और किसानों के जेल में डाला गया। यहां पे जब मेरा हेलीकॉप्टर उतरा, ओएनजीसी के मैदान में उतरा, ऊपर गेट पे लिखा था असम एसेट ओएनजीसी। इसका क्या मतलब है? असम की संपत्ति है उसे ओएनजीसी, किसी नेता की संपत्ति नहीं है, किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है, किसी सरकार की संपत्ति नहीं है, आपकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, असम की संपत्ति है। और आज उसको भी प्राइवेट करने की योजना चल रही है। क्या ये असम की संपत्ति को बचाने का काम हो रहा है? आपको याद होगा कि भाजपा सरकार ने अपने खरबपति मित्रों को जमीन देने का भी ऑर्डिनेंस निकाला था। उस ऑर्डिनेंस में लिखा था कि कोई परमिशन, कोई क्लियरेंस, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। एक तरफ कांग्रेस की सरकार ने आपको भूमि अधिकरण का कानून दिया, छठी अनुसूची देकर आपकी जमीनों को सुरक्षित रखा, दूसरी तरफ एक के बाद एक आपकी संपत्ति भाजपा सरकार के उद्योगपति मित्रों को बेची जा रही है। और लूट का आलम देखिए, सिर्फ आपकी जमीन नहीं, सिर्फ आपके उद्योग नहीं, लेकिन आपके चिड़ियाघरों से जानवर भी बेच डाले हैं। आपके चिड़ियाघरों से दो ब्लैक पैंथर इनके उद्योगपति मित्र के बेटे के पास जामनगर भेजे जा रहे हैं। कुछ नहीं छोड़ा है इन लोगों ने। अभी इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। अभी तो आपकी ऑयल फील्ड्स भी बिकेंगी, नुमालीगढ़ की रिफाइनरी भी है, उसे भी बेचा जा रहा है। एक तरफ का जैसा कानून, महंगाई, दूसरी तरफ इनके खरबपति दोस्त जिनको लूट की इजाजत है। जब यहां पे का विरोध हुआ था, तब श्री जुबिन गर्ग जी ने एक गीत गाया था, भाजपा से कहा था, पॉलिटिक्स नो करीबे बंधु। लेकिन भाजपा ने क्या किया? पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स, विकास नहीं किया, आपकी मदद नहीं की, आपकी सुनवाई नहीं की, आपके संघर्षों में शामिल नहीं हुए, बाढ़ आई आपको आपकी सहायता नहीं की, सिर्फ पॉलिटिक्स की। और आज भी आपके सामने आकर सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आसाम के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं यहां राजनीति के लिए नहीं कह रही हूं, मेरी बहनें हैं, आपकी तरह मैं भी मां हूं, मैं भी अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी चीजें चाहती हूं। मैं जानती हूं आप काम करते हैं, आप कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किसके लिए पढ़ाते हैं? ताकि एक दिन रोजगार मिले, उनका भविष्य मजबूत बने, आगे बढ़े, ताकि जो संघर्ष आपने अपने जीवन में देखे हैं, उन संघर्षों से आपके बच्चे स्वतंत्र हों, उन्हें उनका सामना नहीं करना पड़े। हर माँ यही चाहती है। लेकिन आज आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है? हर छठा बीए असम में, हर छठा बच्चा जिसने बीए की हुई है बेरोजगार है,
हर दसवां एमए बेरोजगार है। आपने कमाया, मेहनत से उसे पढ़ाया और आज उसके लिए सरकार ने रोजगार नहीं दिया। 3 लाख सरकारी पद खाली हैं, भरे जा सकते हैं। 3 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं, सरकार नहीं दे रही है। 40 लाख बेरोजगार बच्चे हैं असम में। 25 लाख नौकरियों का वादा था, क्या दिया? तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हुए हैं, इंतजार में है कि कोई हमारी मदद करे। भर्तियों में घोटाले, एसआई स्कैम, पीएनआरडी स्कैम, लाखों बच्चों के भविष्य इसमें खराब हुए। मैं यूपी में काम करती हूं, हर रोज अनुभव होता है। हर दूसरे तीसरे दिन मैं नौजवानों से बात करती हूं, कोई कहता है हमने इम्तिहान दिया, हमारा सिलेक्शन हुआ, 6 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं। भर्तियों में घोटाला है, जहां जहां भाजपा की सरकार है घोटाला ही घोटाला है। आपके युवा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में जाते हैं काम के लिए। वहां जाकर जब वो भाजपा की विचारधारा के लोगों से मिलते हैं, उन्हें अपमानित किया जाता है, उनका सम्मान नहीं होता। उनको असम में रोजगार मिलना चाहिए, उनका हक है, सम्मान उनका हक है, उनको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। असम के नौजवानों को किसी की चंदा की जरूरत नहीं है कि चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले 2 व्हीलर दे दिए, लीजिए आपके लिए सरकार 2 व्हीलर दे रही है, चंदा की जरूरत नहीं है। अपना आत्मविश्वास, अपने आत्मसम्मान के लिए नौजवान काम करता है, उसे अपना आत्मसम्मान चाहिए। इसी तरह से टी ट्राइब्स के साथ कितना धोखा हुआ, दिहाड़ी तो छोड़िए, जमीन के पट्टे का वादा किया था, जमीन के पट्टे मिले, ट्राइब का दर्जा मिला, नहीं मिला। चुनाव के बाद कोई आया आपसे पूछने, आपकी स्थिति है जो है, किसी को समझ में भी आई? अगर आते समझते और शायद उनके दिल में कुछ आपके लिए दया होती, लेकिन 5 सालों में कुछ नहीं किया। अब भाजपा आदिवासियों की जमीन छीनने वाले बिल लेकर आई है, उनके रहन सहन को नष्ट कर रही है। कांग्रेस की सरकार में 15% ग्रोथ था, आज 6% है। नीति आयोग ने खुद कहा है उनकी रिपोर्ट ने कि असम में गरीबी बढ़ रही है। कांग्रेस ने स्पेशल स्टेटस दिया था, आज वो भी नहीं रहा। असम के विकास पर पूरी तरह से ब्रेक लगी हुई है। किसानों, छोटे उद्योगों, महिलाओं को मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। आपके हथकरघा उद्योग मूंगा सिल्क को बर्बाद कर दिया है। असम में घमोसा भी गुजरात से आ रहा है, ये घमोसा भी आपके यहां नहीं बन रहा है। आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का सामान, सबका दाम बढ़ गया है। छोटे छोटे बच्चों के लिए खाने को नहीं है, गैस सिलेंडर खाली पड़े हैं। आपके अपने बच्चों के लिए जो सपने हैं वो कैसे पूरे होंगे? आज मैं चुनाव के समय आई हूं, लेकिन दिल से आपसे एक बात कहना चाहती हूं। देखिए, आपकी संपत्ति, आपकी संस्कृति, आपकी धरती, आपकी उपलब्धियां आपकी हैं, इनको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। नेता आएंगे जाएंगे, भाषण देंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, उन वादों पर उनको खरा उतारना आपकी जिम्मेदारी है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी चीज की, कई महीनों से अपने नेताओं को पूरे असम में भ्रमण कराया, आपसे संपर्क कराया,
आपकी समस्याओं के बारे में बातचीत की और उस बातचीत के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 5 ऐसी चीजें करेंगे जिससे असम की जनता का फायदा होगा। अब ये खोखले वादे नहीं है, ये वो वादे नहीं है जो इस मंच पे किए जाएंगे और उसके बाद भुलाए जाएंगे, ये गारंटी है। कांग्रेस आपके लिए 5 गारंटी लाई है। ये 5 गारंटी क्या है? सबसे पहले तो चाय के बगान के श्रमिक बहनों और भाइयों के लिए मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि आपकी दिहाड़ी 365 रुपए की होगी। इसको करने के लिए एक पूरी स्टडी की गई है। ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जो उद्योगपति हैं जिनके चाय बगान है वही देंगे, नहीं, हम इंतजाम अलग से करेंगे ताकि जो वो देते हैं उसके साथ साथ जो सरकार देगी उसका जो कुल मिलाकर आपके पास मिलेगा वेतन वो 365 रुपए हर दोस्त होगा। तो ये खोखला वादा नहीं है, ये गारंटी है। इसी तरह से कांग्रेस कह रही है कि का कानून किसी भी हालत में असम में लागू नहीं होगा। तीसरा गारंटी कि हर महीने 200 यूनिट बिजली आपको मुफ्त की मिलेगी। इसका मतलब है कि आपको कम से कम 1200 रुपए की बचत एक महीने में आपकी हो जाएगी। चौथा गारंटी कि 5 सालों में 5 लाख नौकरियां सरकार दिलवाएगी। हम 25 लाख नहीं कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं जो हम कर पाएंगे। हम भी यहां पे खड़े होकर बड़े बड़े आंकड़े दे सकते थे आपको, हम भी कह सकते थे 25 लाख 30 लाख की नौकरियां देंगे। हम सच कह रहे हैं, जो हम कर सकते हैं वही कह रहे हैं। और आखिरी गारंटी, मेरी बहनें ध्यान से सुने, समाज का बोझ आप उठाती हैं, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप नौकरी करती हो, चाहे मजदूरी करती हो, लेकिन जो गृहस्थ महिला होती है उसकी समाज में ना पहचान होती है और ना सरकार ने पहले उसे पहचाना है। वो दिन रात उतनी ही मेहनत करती है जितनी वो महिला करती है जो बाहर जाके मजदूरी करती है, जितनी वो महिला करती है जो उद्योग में काम करती है, उतनी ही मेहनत घर में जो गृहस्थ महिला है वो करती है। तो मैं अपनी बहनों के लिए खास कहना चाहती हूं कि ये जो 5वीं गारंटी है आपकी मेहनत की पहचान है, आपके सम्मान के लिए आपके खातों में हर महीने 2000 रुपए की डायरेक्ट ट्रांसफर डालने का कांग्रेस पार्टी की 5वीं गारंटी है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम आपकी संस्कृति को बचाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके भविष्य को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जिस तरह से हमने पहले किया, हमारी सरकारों ने यहाँ का विकास कराया, आपकी समस्याओं को समझते हुए आपके उत्थान के लिए काम किया, उस तरह हमें करने का मौका दीजिए। तो मैं खास तौर से आपसे कहने आई हूं कि इस चुनाव में आप ये देखिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं। आप एक ऐसी राजनीति को वोट दीजिए जो आपके भविष्य को मजबूत बनाए। तो यही कहते हुए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। चुनाव के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो मेरी बातों को जरूर याद रखिए, जरूर मन में रखिए। ये वोट आपके लिए है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, आपकी मजबूती के लिए है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।